लॉकडाउन अवधि में विदिशा जिले के सिरोन क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन के उदासीनता के चलते शासन के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, यह कहना है कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नरेंद्र पाटीदार का। उनका यह भी कहना है कि प्रशासन के आला अधिकारी लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जबकि छोटे कर्मचारियों को वेतनमान अधिक मिलना चाहिए क्योंकि वह लॉकडाउन अवधि में जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। पाटीदार ने खबर मध्य प्रदेश से बात करते हुए नगर पालिका पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पालिका दावे करती है कि उसने हजारों मास्क वितरित किए हैं, जबकि यह सब कागजों तक ही सीमित है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नरेंद्र पाटीदार जी, आइए जानते हैं कि इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है। नरेंद्र जी, सरोज में जो आसपास जो कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, कैसे मानते हैं आप, क्या प्रशासन की क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से जो है कि उसको देखते हैं आप प्रशासन के रवैये को? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जब कोरोना वायरस हुआ और विदिशा में सबसे पहला मरीज कोरोना से मिला, बाद में वो ठीक होकर चले गए, उस समय ऐसा लगा कि प्रशासन ढंग से काम कर रहा है। और उसके बाद जब बाहर के लोग सिरोंज आना चालू हुए, जैसे कजरी माड़वा सा केस है, लटेरी की का महिला वाला केस है, तो हमें लगता है जब ये लोग बाहर से आए तो इनका क्वारंटाइन नहीं किया गया, इनको विदिशा में या बाउंड्री लाइन पर कहीं रोक देना था। भाई ये बताइए, वो अपनी जगह पर सही होंगे और इसमें सिरोंज वालों की क्या गलती, जो निर्दोष लोग पिस रहे हैं, आज घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, छोटे लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी का रवैया पूरा नकारात्मक है। आज सड़कों पर भीड़ लगी है, कंडीशन ये है कि पुलिस की गाड़ियां निकलती हैं, उनके सामने ही लोग हट नहीं पाते हैं, तो इसका क्या अंदेशा लगाया जाए? हमें तो लग रहा है कि धीरे धीरे और मरीज और बढ़ेंगे और इसकी पूरी गलती मेरे हिसाब से प्रशासन की रहेगी। कैसे जो है कि प्रशासन मैनेज करता है, क्या देखते हैं आप प्रशासन को कैसे मैनेज करता है सरोंज में? देखिए, प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा, बेवजह की पेट्रोलिंग हो रही है, गाड़ियां घूम रही हैं, लोगों को रोक नहीं रही है, नगर पालिका से मास्क वितरण नहीं हो पाए हैं जबकि इन्होंने कागजों में बिल लगा दिए हैं, सैनिटाइजेशन नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक जो पात्र लोग हैं जिनको राशन मिलना चाहिए था, उन लोगों को राशन नहीं मिल पाया है। भाई, ये राशन बट कहाँ रहा है? सिर्फ नौटंकीबाजी चल रही है और कुछ नहीं है। आप अपने तौर से कुछ शासन प्रशासन को सचेत करने के लिए कुछ कर रहे हैं? जी, मेरा ये मानना है कि जितने भी शासकीय अधिकारी कर्मचारी हैं जो कि दिन रात घूम फिर रहे हैं, भाई बड़ा तबका बेपरवाह है, छोटा तबका काम कर रहा है। आज जैसे कि नगर सुरक्षा समिति के लोग घूम फिर रहे हैं, उनको वेतनमान दिया जाए, भत्ते दिए जाए, सरकार इनकी कटौती ना करें। कहीं ना कहीं ये लगता है कि इनके भत्तों में कटौती की गई है, उस बात को लेकर भी सरकारी अमला नाकामी दिखा रहा है, तो इनका वेतनमान पूरी तरह दिया जाए और एक्स्ट्रा काम करने पर इनका प्रोत्साहन किया जाए, तो ही ढंग से काम कर सकते हैं। इस पूरे मामले पे उदासीन रवैया किसका देखने को मिल रहा है आपके नजदीक? देखो, उदासीन रवैया तो कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों का भी है और जनता का भी है। जनता डर क्यों नहीं रही इस चीज से? टीवी चैनलों पे, न्यूज चैनलों पे समाचार आ रहे हैं, भयावह बीमारी है, लॉकडाउन किया गया है, तो घरों से बाहर ना निकले। मेरा संदेश दोनों की ओर है, जनता की ओर भी है और प्रशासन के अधिकारियों की ओर भी है। तो ये थे कांग्रेस नेता नरेंद्र पाटीदार जी, जो बता रहे थे कि किस तरह स्थानीय प्रशासन का लचर कार्यप्रणाली के चलते सरोंज में शासन प्रशासन की नियमों का धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।